बुढ़ाई से दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुंबई से डॉक्टर आनंद वाजपेयी। YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं अपलोड करता रहूं। दोस्तों, अभी का जो मेरा टॉपिक है, डायरेक्ट सेलिंग, कुछ ब्रीफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। यहां पर जब डायरेक्ट सेलिंग की बारी आती है तो मुझे एक व्यक्ति का नाम जरूर याद आता है, मिस्टर पॉल ज़ेन पिल्सर। दोस्तों, चीफ इकोनॉमिस्ट न्यूयॉर्क, व्हाइट हाउस के एडवाइजर मिस्टर पॉल ज़ेन पिल्सर। इनका हर सदी का इन्होंने एक बिजनेस प्रेडिक्ट किया हुआ है, यानी कि हर सदी में उन्होंने बड़ा ही सटीक भविष्यवाणी की हुई है कि इस सदी का ये बिजनेस। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं तो आपको पता होगा कि 70 और 80 के दशक में जिन व्यक्तियों ने टाइपराइटर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उन्होंने फॉर्चून बनाया, यानी कि बहुत पैसा कमाया। लेकिन यदि यही काम मैं आज आपको बोलूं कि क्या आज आप मेरे साथ टाइपराइटर बिजनेस में पैसा लगाओगे, तो जवाब है नहीं। 80s के दशक में ऑडियो कैसेट्स की इंडस्ट्री बूम पर थी, गुलशन कुमार टी सीरीज, ऐसे अनेकों ऑडियो कैसेट कंपनी ने फॉर्चून बना के दिए उनके मालिकों को। लेकिन क्या आज आप मेरे साथ ऑडियो कैसेट्स के बिजनेस करने में इंटरेस्टेड रहोगे? नहीं। आपको याद होगा 80s के जमाने में लोग वीसीआर किराए पर लाते थे, वीसीआर, उसकी जो वीसीडी डीवीडी जो होता था, ये लोग किराए पर लाते थे। क्या आज आप ये बिजनेस करना पसंद करोगे? आई एम श्योर नहीं। कंप्यूटर्स, जब कंप्यूटर्स आए भारी मार्जिन के साथ में, जिन्होंने भी कंप्यूटर बिजनेस में इन्वेस्ट किया बहुत पैसा कमाया। लेकिन आज कंप्यूटर में बेरली कुछ मार्जिन बचता है। जितने लोग कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, यानी कि आज कंप्यूटर बिजनेस इतना वायबल बिजनेस नहीं है। टेलीकॉम, आपको याद होगा दोस्तों, जब 99 के दौर में जब टेलीकॉम आया था, मोबाइल फोन्स आते ही इनकमिंग 16 रुपया, आउटगोइंग 16 रुपया, इनकमिंग के भयंकर चार्जेस वगैरह, यानी कि 16 रुपया पर मिनट। आपको याद होगा हम लोग मोबाइल में मिस कॉल देख के पीसीओ से जाके कॉल करते थे, क्योंकि कॉल रेट्स बहुत भयंकर थे। यानी कि जिनको भी पैसा कमाना था टेलीकॉम एरा में, उन्होंने पैसा छाप लिए। लेकिन क्या आज इनकमिंग फ्री, रोमिंग फ्री, इंटरनेट मार्जिन खत्म, यानी कि आज टेलीकॉम इंडस्ट्री उतनी वायबल नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज आर मेकिंग लॉस। मॉल कल्चर, दोस्तों 99 2000 के एरा में आपने देखा होगा मॉल्स की भरमार, हर एरिया में मॉल्स खुल रहे हैं, मॉल्स मॉल्स मॉल्स, नए नए शॉप्स खुल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, फुटफॉल्स, भयंकर फुटफॉल्स मॉल में। लेकिन आज अगर मॉल्स में जाकर देखोगे, कई मॉल्स बंद हो रहे हैं, मॉल्स के अंदर की दुकानें बंद हो रही है, यानी कि आज प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है मेरे दोस्तों। तो मेरा यहां पे कहने का मतलब यही है कि हर सदी का एक बिजनेस रहा है, हर सदी का। तो अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि ये, तो अब आने वाले समय का बिजनेस कौन सा है, आने वाले समय का बिजनेस कौन सा है? क्योंकि अगर हमको किसी ने प्रेडिक्ट किया है और हमने सही समय पे सही निर्णय ले लिया, तो आपके लिए बहुत बहुत माइलस्टोन प्रूव होगा। और यही मिस्टर पॉल ज़ेन पिल्सर, इनका प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक किताब है द वेलनेस रेवोल्यूशन, हाउ टू मेक अ फॉर्चून इन द नेक्स्ट $1 trillion इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, $1 trillion, आपको समझ में आ रहा है $1 trillion का मतलब क्या होता है? $1 trillion इंडस्ट्री, मिस्टर पॉल ज़ेन पिल्सर, द वेलनेस रेवोल्यूशन। और उनका उसी किताब में ये भी कहना है कि ये इंडस्ट्री, द वेलनेस इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे ज्यादा, सबसे लंबी चलने वाली इंडस्ट्री में से एक रहेगी। ये जितने भी इंडस्ट्री थी, इसका कार्यकाल 8 से 10 साल था। मॉल्स कल्चर बोलिए, टाइपराइटर बोलिए, ऑडियो कैसेट्स बोलिए, वीसीआर बोलिए, ये जितने भी इंडस्ट्री थी, 10 साल का एरा था इनका, सिर्फ एक सदी, 10 इयर्स का एक डेकेड। लेकिन वेलनेस रेवोल्यूशन, क्योंकि आज की तारीख में आप देख रहे हो हर बंदा बीमारी की ओर जा रहा है, हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, हेल्थ अवेयरनेस हो गया है।
वेलनेस रेवोल्यूशन, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो दोस्तों यदि आप वहां बैठ के ये सोच रहे हो कि आज मैं किस इंडस्ट्री को चुनूं, चॉइस एकदम क्लियर है दोस्तों। बिफोर हैंड मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इवन बिल गेट्स जो आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, बिल गेट्स को भी ये जब प्रश्न पूछा गया था कि सर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होते तो क्या होते, उनका बड़ा ही सुंदर जवाब था कि यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होता तो आज मैं यकीनन किसी न किसी अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा होता। तो इतने महान व्यक्ति ने भी यही कहा है। तो दोस्तों देर मत करिए, आज ही एक अच्छी जेन्यून डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए। डायरेक्ट सेलिंग में वेलनेस रेवोल्यूशन, ये गोल्डन एरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। तो निर्णय करना है, स्टार्ट नाउ, कम एंड ज्वाइन दिस वेलनेस रेवोल्यूशन। और मैं आपको बड़े प्राउडली बताना चाहूंगा कि हमारी जो IMC कंपनी है ये वेलनेस रेवोल्यूशन में ही काम कर रही है। आप यदि आप सोच रहे हो IMC बिजनेस में ज्वाइन करने का, तो ये वीडियो आपको जिन्होंने भी फॉरवर्ड किया है उनके साथ मिलिए और हमारी इस सुंदर सी इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर है, इस इंडस्ट्री में आइए और अपना फॉर्चून बनाइए। डोंट वेट, कम एंड ज्वाइन द रेवोल्यूशन नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में करके आने वाले भविष्य में आप भी मिलियनेयर की लिस्ट में शामिल होइए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा शॉर्ट प्रेजेंटेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको मुझसे और क्या क्या वीडियोस देखना है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, डॉक्टर आनंद बाजपेयी को सर्च करें यूट्यूब पे, राइट में सब्सक्राइब बटन दबाए। तो दोस्तों थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, द डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। थैंक यू।